हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए इसके सोल्यूशन में देखिए। सबसे पहले जो दिया गया एक बार लिख ले रहे हैं इसको, दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज हम लिख ले रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। देखिए आपको आइडेंटिटी बताई गई यहां पे, हमने देखिए कई सारी आइडेंटिटी बताई थी, एक आइडेंटिटी ये भी बताई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो हमने लिख दिया। अब चलिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा है, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा में आपको रेसिप्रोकल रिलेशन बताया गया था कि अगर जैसे देखिए यहां पे cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, या फिर sec स्क्वायर थीटा अगर मान लीजिए दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना। रेसिप्रोकल रिलेशन आपको बहुत पहले बताया गया था कि cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन। यानी कि 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिख ले, इसको लिख देंगे क्या, cos स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए आ गया कितना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आपको सबसे पहली आइडेंटिटी बताई गई थी आपको कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि वैल्यू कितनी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो यहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यही हो जाएगा आंसर। यानी जितनी भी आइडेंटिटीज आपको बताई गई सारी आइडेंटिटीज आपको मेमोराइज होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको पहले ही बता दिया गया। अब उन आइडेंटिटीज जब आपको याद हो जाएगी तो आपको पता रहेगा किसकी जगह कौन सा रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए तो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद चलिए और एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद चलिए और क्वेश्चन ले रहे, इसको मिटा दें। चलिए इसके बाद और आपकी एनसीईआरटी से हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ले रहे हैं, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड ले ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहां से भी आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद दिया गया इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रेकेट में दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहां देखिए टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज जैसे लिखा हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को देखिए आपको आइडेंटिटी बताई गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता, ये आइडेंटिटी आपको बताई गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए आप अगर वैल्यू निकालें, देखिए रिप्लेस करके यहाँ पे ट्रांसपोज करके, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 हम ट्रांसफर कर देगा आर एच एस में, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं ना कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, लिखा देंगे टेन स्क्वायर थीटा, अब यहां से फिर से कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये बताया गया ना आपको, रेसिप्रोकल रिलेशन बताया गया, देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसा भी बताया गया था, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, जब रेसिप्रोकल रिलेशन हम बता रहे तो बताया गया था कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन आपको बताया गया। तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, अगर मान लीजिए स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये रिलेशन स्क्वायर में बन जाएगा। तो यानी कि आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को क्या, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगी वैल्यू कितनी, 1 आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो सारे क्वेश्चन जो है 10.6 जो एक्सरसाइज आपकी 10.6 से सारे क्वेश्चन लगभग लगभग सारे आइडेंटिटीज पे हैं, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई गई है ना,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टाइम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बताई गई है सारी उसी पे है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, इसको मिटाते हैं, फिर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद चलिए और ले ले रहे हैं एक क्वेश्चन और दिया गया फिफ्थ वाला, चलिए हम ले लेते हैं। यहां से भी आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 54 डिग्री, यहां देखिए दिया गया है कॉस 54 डिग्री इंटू कोसेक 54 डिग्री इंटू कोसेक 54 डिग्री। उसके बाद क्या दिया गया है इंटू टेन 54 डिग्री इंटू टेन 54 डिग्री, ये दिया गया, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो ठीक है, यहां पर देखिए कॉस 54 डिग्री है तो इसको हम टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इसको हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो यहां पर देखिए कॉस 54 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे 54 आ जाए, तो 90 में से 36 माइनस करेंगे 54 आए, ये लिख लिया हमने 90 माइनस 36 तब 54 आए। ऐसे कोसेक देख रहे हैं, कोसेक 54 दिया गया तो कोसेक 54 को यहां लिख सकते हैं 90 माइनस 36 डिग्री। ऐसे टेन 54 दिया गया तो टेन तो लिख लिया, 54 को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया। अब आपको बताए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, यानी कि साइन 36 डिग्री होगा ना। ऐसे कोसेक 90 माइनस, यहां देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, सेक थीटा आ जाएगा यानी सेक 36। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा यानी हो जाएगा कॉट 36 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद यहां देखिए साइन 36, यहां पे सेक 36, यहां पे कॉट 36, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी रिलेशन होता है। जैसे यहां पे है मान लीजिए साइन 36, यहां पे सेक 36, यहां पे कॉट 36, तो यहां पे देखिए हम साइन 36 तो एज इट इज लिख ले रहे हैं, साइन 36 डिग्री हमने ऐसे ही लिख लिया। अब सेक 36, सेक 36 का अगर रेसिप्रोकल रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सेक 36 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि सेक थीटा ये हमने लिख दिया, देखिए sec थीटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल रिलेशन होगा 1 अपॉन cos थीटा, यानी sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। तो यहां sec 36 है यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 36 लिख सकते हैं ना, चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिख देंगे 1 अपॉन cos 36, 1 अपॉन cos 36, ठीक है, ये लिख दिया। आगे कितना है, यहां पे है cot 36, इसको आगे लिख देते हैं हम, यानी कि sin 36 * 1 अपॉन cos 36, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा आ जाएगा साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री, आएगा ना। आगे कितना, इंटू कॉट 36, इंटू कॉट 36, ये जो इंटू का साइन है मल्टीप्लाई का, तो चाहे ऐसे लगाए चाहे ऐसे लगाए, ये आ गया। अब साइन 36 अपॉन कॉस 36, आपको पता होगा, आपको रिलेशन ये भी बताया गया था इस सर्केश में कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा है, यानी टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा थीटा सेम है ना, ऐसे यहाँ पे साइन 36 अपॉन कॉस 36, 36 36 सेम है ना, यानी ये है किसी फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या था, टेन थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं टेन 36, हम लिख देंगे टेन 36 डिग्री, टेन 36 डिग्री इंटू यहाँ क्या है कॉट 36 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिखा रहे हैं टेन 36 डिग्री इंटू cot 36 दिया गया है, तो आपको पहले ही बताया गया है कि रेसिप्रोकल रिलेशन, cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा, यानी cot 36 को 1 अपॉन tan 36 लिख देंगे, 1 अपॉन tan 36 आएगा ना। तो यहाँ tan 36 tan 36 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी आंसर कितना है, 1 आया, ठीक है। ऐसे करना है आपको रिलेशन, ये सारे रिलेशन आपको बताया, रेसिप्रोकल रिलेशन, आपको जो आइडेंटिटीज बताई गई वो सारी चीजें पता है, तो क्वेश्चन बड़ी आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। सारे सबसे जरूरी चीज क्या है, कॉन्सेप्ट जो आपको पहले बताया गया, जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में बताए गए, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चलिए और देख लेते हैं, इसके बाद हम ले ले रहे हैं, चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। यहां पे भी वैल्यू निकालनी है आपको, दिया गया है, यहां दिया गया आपको tan थीटा माइनस
sec थीटा, एक ब्रेकेट में ऐसे दिया गया है, इंटू दूसरे ब्रेकेट में दिया गया है tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा ऐसे करके दिया गया। अब यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा। तो आपको देखिए एक फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको पता होगी, a प्लस बी, या ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो क्या होती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ये यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ पे बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं, आइडेंटिटी बन गई ना, देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी फॉर्म में तो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह tan थीटा तो tan थीटा का स्क्वायर, और b की जगह sec थीटा तो sec थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, आपको आइडेंटिटी बताई गई है यहाँ से, देखिए आपको पता है कि वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, है ना, तो अगर यहाँ से वैल्यू निकाल, यहाँ देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आई है, और sec स्क्वायर थीटा अगर LHS में ट्रांसफर कर ले तो हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा जीरो। अब यहाँ देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस वन है, इसको हम RHS में भेज देंगे तो माइनस वन हो जाएगा, यानी कि हम वैल्यू अगर लिखना चाहे टेन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की जगह तो कितना लिख सकते हैं माइनस वन, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन, देख लीजिए आपके सामने है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस वन, है ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन, तो ये हो जाएगा आंसर माइनस वन, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस सबसे पहले हमने यही बताया कि आपको आइडेंटिटीज जो बताई गई हैं, जो रिलेशंस बताए गए हैं, वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, तो करिए इसको भी कर लीजिए आप। उसके बाद चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, एक आध और ले ले रहे, चलिए एक और ले ले रहे, इसको मिटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर दिया गया, यहां से भी आपको वैल्यू निकालनी है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर एट है, क्या है क्वेश्चन नंबर एट, ये दिया गया है cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिया गया sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, हाँ दिया गया cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ये दिया गया, यहां से हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहां देखिए cos थीटा जैसे लिखा हम cos थीटा लिख देंगे, है ना, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, अब sec स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, आपको आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, होती है ना आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस वन यहां से मिलेगा, मिल जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा हम इधर रहने दे रहे हैं इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इधर लिखा है, तो प्लस वन जाएगा आर एच एस में तो हो जाएगा माइनस वन, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसके लिए क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू, और tan स्क्वायर थीटा है यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा tan थीटा, यानी tan थीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा, जब tan स्क्वायर थीटा है रूट के अंदर तो बाहर आएगा तो क्या होगा tan थीटा होगा। अब यहाँ देखिए cos थीटा तो आइडेंटिटी हम लिख दे रहे जैसे लिखा है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं स्पेशल केस, इसमें भी रिलेशन आपको बताया गया था, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना केवल sin थीटा, यही हो जाएगा आपका आंसर, आंसर क्या हो गया sin थीटा, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं लगभग लगभग आप कर भी सकते हैं, चलिए इसको देख लीजिए उसके बाद एक और बता देते हैं, ठीक है ये हो गया ना, चलिए अगला देखते हैं, एक और लेते हैं इसमें, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन ले लेते हैं, यहां से भी वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है cos 9 पाई, cos 9 पाई अपॉन 4, cos 9 पाई अपॉन 4, हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि cos 9 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में, 180 डिग्री होती है, पाई की वैल्यू यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री की, देखो पाई जो है पाई, इसको बोलते हैं पी आई ई पाई, इसको आप लोग जब इसकी वैल्यू रखते थे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रखते थे ना,
लेकिन यहां पे जब एंगल की फॉर्म में रखेंगे तो क्या आएगी पाई की वैल्यू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो पाई की जगह हमने कितना लिख लिया 180 डिग्री अपॉन 4 है तो 4 रहेगा। अब यहां देखिए इसको हम कैंसिल भी कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ 45 आ जाएगा ना, तो आ जाएगा आपका cos 9 × 45 डिग्री, cos 9 × 45 डिग्री मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9 × 45 = 5 कह दिया 4 और 9 × 4 = 36 40 आ जाएगा यानी कि 405 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 405 डिग्री। अब यहां देखिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया गया है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो 405 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 360 में अगर आप 45 प्लस करें कितना आएगा 405 आएगा ना। चलिए अब यहां पे आप देखिए 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 360 प्लस थीटा तो 360 प्लस थीटा आता आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे रेशियो साइन कॉस टैन कॉस से कोसेक सारे पॉजिटिव, यानी कॉस है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 360 पे वैल्यू चेंज होती है कि नहीं, तो 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कॉस है तो कॉस ही रहेगा, यानी कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा क्या है 45 तो कॉस थीटा, ठीक है, यानी कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस 45 क्योंकि थीटा की जगह 45 है। अब आपको पता होना चाहिए कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए इसको कर लीजिए और देखिए इसमें, इसके बाद इतना कर लीजिए फिर आगे बताते हैं, ठीक है, पहले ये कर लीजिए।